नमस्ते बच्चों, दिवाली अवकाश के बाद हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहले मुझे बताइए कि यह किनका प्रिय भजन था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यस, महात्मा गांधी का, गांधी बापू का यह प्रिय भजन था। गांधी जी समय को बहुत महत्व देते थे। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा हो या बूढ़ा, वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। आज हम इस पाठ में उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। समय का महत्व। गांधी जी समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे, तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे, अनजान रहेंगे। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह होते हैं, जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। तो हम सभी को समय का महत्व समझना चाहिए। इसी बात से संबंधित एक घटना उनके जीवन से है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। पौत्र मतलब पोता, बेटे का बेटा। हमेशा की तरह इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा, कितना समय हुआ है? कांति ने कहा, 5 बजे हैं। जब वे अपने पौत्र कांति के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जा रहे थे, तो रेलगाड़ी में बैठे हुए वे कुछ लेख लिख रहे थे और उसमें व्यस्त थे। उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा कि कितना समय हुआ है? कांति ने उत्तर दिया, 5 बजे हैं। अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितना बजा है। कांति ने ध्यान पूर्वक देखकर कहा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है। जब कांति ने उन्हें कहा कि 5 बज गए हैं, फिर अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि 5 बजने में अभी 1 मिनट शेष है। तो उन्होंने कांति से कहा कि ध्यान से देखो कितना बजा है। कांति ने ध्यान पूर्वक ध्यान से देखा और कहा कि 5 बजने में 1 मिनट अभी बाकी है। गांधी जी ने कहा, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए? यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहें तो क्या होगा? तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अपने पुत्र को समय के महत्व के बारे में बताया कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। और अगर हम 5 की जगह, अगर उसने 5 की जगह 1 मिनट कम कह दिया होता तो क्या होता? तो हमें सत्य बोलना चाहिए हमेशा और समय का पालन करना चाहिए। अगली घटना है, किसकी है गंगा यमुना? बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य सभी स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा।
इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। खिन्न मतलब परेशान, दुखी हो गए। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते ही नेहरू जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? बाकी स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी है। गांधी जी परेशान किस बात से हुए कि उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ रहा था? उनके अनुसार यह पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू, आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़े ही है कि पानी की कमी हो। आप थोड़ा पानी अधिक प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू, आप इलाहाबाद में हैं, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, तीन नदियों का संगम है, यहाँ पर गंगा यमुना बहती है, यह मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल रेगिस्तान, जहाँ पर पानी की कमी होती है। लेकिन नेहरू जी उन्हें कह रहे हैं कि आप इलाहाबाद में हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी है, अगर आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना? यह सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि किसकी है ये गंगा यमुना? यह सिर्फ मेरे लिए तो नहीं बहती, इसके जल पर, इनके जल पर सभी का समान अधिकार है। यह बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्स, जल, वायु, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है जिनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सोच समझकर हमें उनका उपयोग करना चाहिए। कोई चीज कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, प्रचुरता मतलब अधिकतर, अधिक मात्रा में हो, तो हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हमें उस चीज को खर्च नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी चीज की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है और उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं और बाकी मामलों में भी हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो हमें सोच समझकर इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। आप सब भी ये बात समझ चुके होंगे। गांधी जी के जीवन से जुड़ी इन दोनों घटनाओं से आपको समझ में आ गया होगा कि समय और पानी कितने महत्वपूर्ण हैं। समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए।